जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का सभी जिनसों का बाजार देख लेते हैं। कैसा बाजार है, कितनी आवक है, क्या तेजी मंदी है, कौन सी क्वालिटी क्या भाव बिक रही है। तो दोस्तों, नए लहसुन की बात किया जाए तो देशी लहसुन में बाजार जोरदार है और देशी लहसुन में 500-700 रुपये की पक्की तेजी है हर क्वालिटी में, और खासकर अच्छे फुल गोले साइज के मालों में। तो देशी लहसुन में जोरदार बाजार है। ऊटी के भी बाजार जोरदार है। ऊटी 11,000 ऊपर में बिका है। नीचे की जो रेंज है उन मालों में ऊटी लहसुनों में ज़्यादा तेजी है बजाय ऊपर की रेंज के। तो कुल मिला के बाजार तो तेजी है। और पुराना लहसुन का आज से हमने वीडियो स्लाइड हटाई है, क्योंकि अब पुराने में इतना आवके भी नहीं है। बाजार 9,200 तक पुराना ऊपर में बिका। बाजार पुराने में कमज़ोर था, मद्दा था। कुल मिला के बाजार कम देखने को मिल रहा था पुराने लहसुन में आज कल की अपेक्षा। इसके अलावा नई मेथी का श्री गणेश हुआ है, 5,051 रुपये बिकी है। 10 बोरी 11 बोरी टोटल आई थी, 4,600 कुछ एक के आसपास बिका है। तो नई मेथी का भी श्री गणेश हुआ है। और इसके अलावा सभी जिनसों का बाजार देख लेते हैं। अजवाइन मंडी की नीलामी नीमच मंडी में आज से प्रारंभ हो चुकी है। सभी किसान बंधु जिनके पास अपनी उपज अजवाइन बिक्री करने हेतु है वो नीमच मंडी में ला सकते हैं, क्योंकि आप लगातार परेशान हो रहे थे, अजवाइन की बिक्री नीमच मंडी में नहीं हो रही थी। आज से प्रारंभ हो चुकी है। 4 बोरी का एक लाट आया था जो 12,700 बिका है। तो उम्मीद और आशा है कल बाजार खुलेंगे तो तेज़ी खुलेंगे अजवाइन में, ऐसी उम्मीद और आशा है। इसके अलावा देखते हैं सभी जिनसों का बाजार। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ना आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ऊटी लहसुन के बाजार की बात करें, नया लहसुन 11,000 रुपये ऊपर में बिका है एक लोट, और बढ़िया सूखा टाइप के मोटे माल 10,000 से 11,000 रुपये के बीच बिक रहे हैं। 10,600, 10,700, 10,800 और 10,000 इस टाइप से बढ़िया फुल गोले माल। सेकंड फुल गोला क्वालिटी जिसमें कुछ सील वाला माल है 9,500 से 10,000 रुपये के बीच बिक रहा है। ऊटी फुल गोला लड्डू माल मिक्स जिसमें आ रहा है 8,800 से 9,500 के बीच बिक रहा है, और बड़ा एक नंबर साइज़ का लड्डू माल 8,000 से 9,000 रुपये के बीच। लड्डू मीडियम माल 7,500 से 8,500, मीडियम और बारीक क्वालिटी 5,500 रुपये से 7,000 के बीच बिक रही है। और ऊटी के दातरा माल 5,500 से 7,500, लगभग बढ़िया साइज का माल दातरा टाइप 7,000 काफ़ी लाट बिके हैं। और ऊटी के कच्चे पक्के माल जो मोटे फुलगोले साइज़ के आ रहे हैं वो 8,000 से 9,500, इस रेंज में काफ़ी बाजार बड़ा है। अच्छा फुलगोला माल है जो कच्चा पक्का मिक्स है वो 9,000 से 9,500 लगातार बिक रहा है। बाजार 300 से 500 तेज, और आवक 7,500 नए की, 2,000 के आसपास पुराना, लगभग 9,500-10,000 बोरी कुल आवक है। देशी लहसुन 8,511 बिका नया। नया देशी लहसुन फुलगोला माल मोटा 8,200 से 8,501, और नया देशी लड्डू फुलगोला मिक्स माल 7,500 से 8,200, और लड्डू मीडियम मिक्स वाला माल 6,000 से 7,500 तक, और देशी मीडियम बारीक माल मीडियम माल मीडियम क्वालिटी टाइप वाले 4,500 से 6,000 के बीच बिक रहे हैं, जैसी क्वालिटी वैसे दाम। और नीचे में मीडियम बारीक कच्चे पक्के माल 3,000 से 4,500। देशी मालों में 500 से 700 तेज। नए देशी लहसुन में बाजार जोरदार तेज है। आज सबसे ज़्यादा तेजी नए देशी लहसुन के अंतर्गत देखने को मिली है। बढ़िया साइज़ 8,000 साढ़े 8,000 के काफ़ी लाट बिके हैं। और आज से अजवाइन मंडी का नीलाम चालू हो चुका है, तो जो भी किसान भाई है अपनी उपज नीमच मंडी में अजवाइन ला सकते हैं। 12,700 अजवाइन बिकी थी आज, 4 बोरी का एक लोट आया था, 12,700 उनालू माल था। तो अजवाइन के बाजार खुलते से कल उम्मीद है बाजार तेज़ी खुलेंगे, कल से आवके अच्छी आ सकती है। सभी किसान भाई अपनी उपज अजवाइन मंडी नीमच मंडी में अजवाइन लेकर आ सकते हैं। कलौंजी ऊपर में 18,500 बिकी, बढ़िया माल 18,100 से 18,400, जिसकी आवक बहुत कम थी। मीडियम माल 17,800 से 18,100, और एवरेज टाइप 17,300 से 17,700। अमूमन मंडी में आवक 17,000 से 18,000 के बीच की आवक ज़्यादा थी। चालू माल 16,000 से 17,000, नीचे में 14,200 तक बिका है। आवक की बात किया जाए तो लगभग 400 बोरी के आसपास आवक है। बाजार की तेज़ी मंदी की बात किया जाए तो कलौंजी में बाजार लगभग समानी है, कोई विशेष तेज़ी मंदी देखने को नहीं मिली है। इसबगोल की बाजार की बात किया जाए, पैकेट माल 11,491 रुपये ऊपर में बिका। बढ़िया पैकेट माल 10,900 से 11,251, अच्छा कलर वाला माल हो तो 11,200, 300, 400 भी बिक जाता है। सेमी पैकेट माल 10,700 से 10,900 रुपये, और एवरेज फॉरन माल 10,300, 400 से 10,700। चालू माल 9,000 से 10,000 रुपये, आवक लगभग 500 बोरी, बाजार लगभग समानी है, कोई विशेष तेजी मंदी तो देखने को इस सब गोल में नहीं मिली है। इसके अलावा धनिया 5,000 तक सूखा बिका, और नीलाम चल रहा है, और भी ऊपर बिक सकता था। 5,000 तक जो बिका हमने देखा है सूखा टाइप वाला माल 4,600 से 4,900 तक बिक रहे हैं। 10 से 20% 4,200 से 4,600 तक बिक रहे हैं, और 20 से 30% 3,400 से 4,000 जैसी सील की मात्रा गिले की वैसा दाम। 1,500 बोरी नई की आवक, बाजार 100-200 तेज, लगभग 200 रुपये मान के चलिए तेज है। लेवाली अच्छी देखने को मिली, लेवाली बढ़िया ही रही है। तो नए धनिया बाजार तेज़ देखने को मिला।
इसके अलावा बात किया जाए पुराना धनिया कोई आवक नहीं है, कल से कोशिश करेंगे हम आपको उपलब्ध ना करा पाएंगे ये भाव की स्लाइड, क्योंकि आज कल भी हमने ऐसा ही कहा था, क्योंकि आवक है नहीं, जो आवक है वो लगभग 3500 से 4500 और 5000 से 5300 वाली आवक है, इससे ऊपर की कोई आवक है नहीं। तो कुल मिलाकर पुराने धनिया के बाज़ार कल से आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ नए धनिया के बाज़ार ही हम देंगे। और लाइव क्वालिटी में भी आज पुराने के बाज़ार दिए थे क्योंकि पुराना पहले नीलाम चल रहा था, नई की आवक आ रही है, पुराने की आवक लगभग धनिया में समाप्ति की ओर चल रही है। मेथी की बात किया जाए तो कुछ बाज़ार कम है, एवरेज माल 5200 से 5250 नई मेथी का श्री गणेश हुआ है, 5051 रुपये नई मेथी आज नीमच मंडी में बिकी है और 4600 रुपये बिकी है। एवरेज माल 5200 से 5250, बढ़िया बारीक पीला माल 5250 से 5400, मोटा माल 5400 से 5500, बोल्ड माल 5500 से 5800 और पुराने माल 3500 से 5200। 800 बोरी आवक बाजार 50 रुपये नरम देखने को मिला, चाल कुछ भी मेथी की आज कमज़ोर देखने को मिली है। गेहूँ 1741 रुपये नया गेहूँ आया था जो बिका, 7 बोरी का लोट था, आज ऊपर वाले कोई लाट थे नहीं, 1851 तक हमने देखा था। हल्के माल मिल के बढ़िया सुपर लोकवान 1900 से 2000 जिसकी आवक नहीं थी, बेस्ट लोकवान 1800 से 1900, 1800 से 1850 बिके लगभग। एवरेज माल 1690 से 1750, मिल बेस्ट 1650 से 1670 और हल्का मिल 1625 से 1650। 3500 से अधिक बोरी लगभग 4000 बोरी के आसपास आवक बन जाएगी क्योंकि दिन में भी नीलाम था। तो बाजार कुल मिला के 2530 रुपये बाजार नरम देखने को मिला, गेहूं में मंदी देखने को मिली है। मसूर ऊपर में 5000 दो तीन लॉट बिके हैं, बढ़िया माल 4900 से 5000, एवरेज माल 4700 से 4850, नीचे में 4160 से 4232 तक बिका, आवक लगभग 50 बोरी, बाजार 100 रुपये तेज, लेवाली कुछ भी बढ़िया मजबूत अच्छी जोरदार देखने को मिली है। तो मसूर के बाज़ारों में भी सुधार रहा है। डालर चना ऊपर में 5700 बिका, 5700 रुपये, बढ़िया माल 5400 रुपये से लगाकर 5700 रुपये तक बिका, एवरेज माल 4600 रुपये से लगाकर 5200 रुपये तक बिका और चालू माल 3200 से डंकी शंकी 42, जैसी क्वालिटी वैसे दाम। बाजार की तेजी मंदी की बात किया जाए तो डालर चने में बाजार लगभग समान ही है, कोई विशेष तेजी मंदी डालर चने के अंतर्गत तो देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा बात किया जाए सोयाबीन के बाजार में, कुछ बाजार कमज़ोर रहा है, 4800 तक बीजू बिका है, और भी कोई ऊपर बिक सकता है, बीज वाला माल 4700 से 4800 का भाव, टॉप क्वालिटी 0% 4580 से 4635, मीडियम माल 4500 से 4530, एवरेज माल 4540 से 4544, नीचे में 4000 4200 3800 3900 काफ़ी ढेर बिके, 5500 बोरी आवक है, बाजार 30 रुपये से लगाकर 40 रुपये तक नरम देखने को मिला, सोयाबीन के बाजार में आज मंदी देखने को मिली है। मक्का 1265 ऊपर में, बढ़िया सफ़ेद माल के भाव 1200 से 1500 कुछ भी बिक जाए, कोई भाव पक्का नहीं, पीली मक्का 1250 से 1260 और अच्छे एक दो लॉट 65, मीडियम माल 1230 से 1245 और एवरेज माल 1200 से 1220, 800 बोरी के आसपास आवक है, बाजार 10-15 रुपये तेज है। तो रोजाना 10-15 रुपये घट बढ़ चल ही रहा है, मक्का में 10-15 रुपये की तेजी मंदी जारी है। मूंगफली ऊपर में 5800 तक है, एक्स्ट्रा माल 54 से 57, G2 बिटकानी माल 5000 से 5300 सेकंड क्वालिटी और चाइना माल 5200 से 5500 50 तक बिक रहे हैं, एवरेज माल 5000 से 5200 और मिट्टी वाले 4500 से 5000, 700 बोरी आवक है, बाजार लगभग समानी है, कोई विशेष तेजी मंदी मूंगफली में नहीं है। अश्वगंधा 37700 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 35000 36000 से 38000, मीडियम माल 30000 से 35000, एवरेज माल 16000 से लगभग 26000 तक लगभग एवरेज माल, और बढ़िया एक आध दो कुछ लॉट है जो 37700 बिके। बाकी बाजार की तेजी मंदी की बात किया जाए तो बाजार लगभग समान ही है, कोई विशेष तेजी मंदी अश्वगंधा के अंतर्गत तो देखने को नहीं मिल रही है। पोस्ते में बाजार कमजोर है आज, 131200 ऊपर में बिका, टीनोपाल माल तो 127000 से 130000, सेमी टीनोपाल 125000 से 127000, बढ़िया गुलाब 122000 से 124000, एवरेज गुलाब 118000 से 121000 और रनिंग 110-12000 से 115000, 225 बोरी आवक, बाजार बढ़िया मालूम 1500 नरम, बाकी बाजार 2000 रुपये के आसपास अमूमन मद्दा देखने को मिला। तो कुल मिलाकर चाल नरम है, टोन मद्दा है, टीनोपाल माल कुछ ऊपर बिके हैं, टीनोपाल की रेंज में तो कोई विशेष फर्क नहीं है, बाकी ओवरऑल बाजार को बात किया जाए तो बाजार 2000 रुपये के आसपास रनिंग फनिंग हल्के फलते मालों में तो 2000 रुपये नरम देखने को मिला है। चना नया ऊपर में विशाल बिका 4500 और नया कांटा बिका 4300, नए गीले टाइप वाले माल 3500 से 3800, कम सील वाले 3900 से 4100 और सूखे टाइप वाले 4150 से 4300 के बाजार नए चने के, पुराने चने 4100 से 4225, अड़ंग माल के एवरेज माल 4000 से 41 और डंकी माल 3700 से 3900, 900 बोरी आवक रही, 450 बोरी नए की रही और 450 के आसपास पुराने की रही, कुल 900 बोरी आवक, बाजार समानी देखने को मिला।
रायड़ा ऊपर में रायड़ा बिका 5800 रुपये, नीलाम चल रहा है, बहुत बड़ा नीलाम है और ऊपर बिक सकता है। सूखे टाइप वाले माल 5600 से 5800, लगभग 57,500 तक है। कुछ लोट जो एक्स्ट्रा क्वालिटी 58,000 तक, कम सील 5400 से 5600, गीला टाइप 5000 से 5300 और ज़्यादा गीले 4200 से 4800 रुपये के बीच में बाजार हैं। 3500 से अधिक बोरी की आवक है, लगभग 4000 बोरी के आसपास आवक है। बाजार 100 रुपये तेज है, कल से आवके अच्छी है, लगातार बाजार में रोज़ तेजी मंदी चल रही है। 100-200 की कोई बड़ी बात नहीं है, ऊंचे बाजारों में रोजाना तेजी मंदी बन सकती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं। कांदे में बाजार तेजी का रुख है, 3700 तक ऊपर के बाजार, मोटे माल एक्स्ट्रा माल 3500 से 3700, सेकंड क्वालिटी का एवरेज मोटे माल 3000 से 3400, गोल्टे टाइप 2600 से 3000, एवरेज माल 1800 से 2500, आवक 2000 बोरी। बाजार 200-300 बाजार लगभग 300 रुपये पक्के तेज है। हर क्वालिटी में लेवाली ज़बरदस्त है, बढ़िया है। तो कांदे में लेवाली मस्त है, ज़बरदस्त है, डिमांड है, सप्लाई चल रही है, सीमित आवक है, बाजारों में तेज़ी का रुख बना हुआ है, ऊँचे भाव पर माल को बेचना चाहिए। उड़द 7000 रुपये बिका, नया उड़द 6600 से 6800 रुपये, मीडियम क्वालिटी का 6000 से 6300 रुपये, एवरेज क्वालिटी का 5300 से 5500, चालू माल 4000 से 4500, आवक उड़द की 300 बोरी रही। बाजार लगभग उड़द में समान ही है, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। कांदे के बाजार ऊँचे हैं, 3500 रुपये के बाजार आ चुके हैं, इस भाव में माल को अपना थोड़ा थोड़ा रोज़ बेचना ज़रूरी समझना चाहिए। अलसी 5340 ऊपर में बिकी, बढ़िया माल 5250 से 5325, मीडियम क्वालिटी 5200 से 5250, चालू माल 4925 से 5175, आवक 300 बोरी, बाजार 50 तेज, लेवाली बढ़िया। तो कुल मिलाकर एक दिन 50-25-50 मध्य, एक दिन 25-50 तेज, रोजाना तेजी मध्य का दौर जारी है। दिल्ली 8025 ऊपर में बिकी, बढ़िया माल नहीं था एकदम, 8200 से 8400 यदि बढ़िया माल हो तो बिकेगा, मीडियम माल था जो 8000 से 8200 के भाव, एवरेज माल 7000 से 8000 के बीच, 8700 से 8911 तक बिका, 40 बोरी, आवक बाजार समान रहा। तारामीरा 4175 बिकी, बढ़िया माल 4150 से 4175, चालू माल एक ढेर नीचे में 3601 बिका। मूमन मंडी 4450 से 4575 के बीच बिकी, 8-10 ढेर थे, 50 बोरी आवक है, बाजार 50 रुपये तेज है, लेवाली ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है। तो 25-50-100 की तेजी मंदी का दौर चल रहा है। पुराने माल थे, गीले माल होंगे तो कम बिकेंगे, सूखे माल होंगे नए तो ऊँचे बिकेंगे, कुल मिलाकर ये भाव है। तुलसी बीज 19800 ऊपर में बिका, बढ़िया प्रीमियम बढ़िया माल 19500 से 19800, मीडियम माल 18500 से 19000, एवरेज माल 16500 से 18000, नीचे में 10000 से बिक रहे हैं 14000 तक, आवक 250 बोरी, बाजार समान, बाजार 200-300 रुपये कुछ भी, 200-300-400 नरम ही है, कुल मिलाकर बाजार तुलसी बीज में।